उधर नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक तरफ दंगाइयों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन जारी है। इस बीच रविवार को नूह मेवात में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया और मांग की गई कि अपराधियों को जल्द पकड़ा जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक तरफ दंगाइयों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इस बीच रविवार को नूह मेवात में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस समेत अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती हुई। बता दें कि महापंचायत को लेकर पुलिस के मना करने के बाद भी लगातार मंच से धर्म विशेष के खिलाफ बातें की जा रही थी, जिसके बाद एडिशनल DCP हेमंत तिवारी ने महापंचायत की परमिशन को रद्द कर दिया। नूह हिंसा को लेकर लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मामला गंभीर होता नजर आ रहा है, उसी को लेकर कई सारे जो प्रदर्शन है और न्याय की जो लड़ाइयां हैं वो की जा रही है। इस वक्त जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया फाउंडेशन सनातन धर्म के तरफ से जो पूरा प्रदर्शन है आज किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके की आप देखेंगे कि अभी जहाँ पर बड़ी संख्या में जो हिंदू फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता है उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें कोई अनाकानी ना हो। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक दायरा जो है वो सुनिश्चित किया गया है प्रदर्शन करने के लिए। मौके पर ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन के अध्यक्ष जिंदल ने कहा कि नूह हिंसा को लेकर शर्म आती है कि प्रशासन की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। कई परिवारों के घरों को लूट लिया गया। पहले ही मेवात चोरी चकारी और आतंक का गढ़ है, जिसकी स्थिति और ज्यादा बदतर हो चुकी है। सरकार कहती है इतने लोगों को काबू करना मुश्किल है, ऐसे में क्या उम्मीद जाहिर की जाए। इसलिए इस तरह महापंचायत का आयोजन कर न्याय की मांग की जा रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति रही तो 2029 में भारत में विशेष धर्म के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए इस तरह की हिंसा का विरोध करना जरूरी है। जो उस पंचायत के निर्णय थे वो सब आपको मालूम है, वो पंचायत के निर्णय सरकार तक पहुंचे। दूसरा ये है कि उन सब ने एक विशेष निवेदन किया था वहाँ पे जितने भी लोग थे कि भाई जैसी घटना ये हुई है, भाई लोगों को लगभग 5-6 घंटे बंधक बनाया गया है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है देश, और उसके बाद हम लोग ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि गोलियां चल रही हैं, और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ऐसी घटना किसी के साथ भी कहीं ना हो, ये देश की जो राजधानी में बैठे उनको कहा जाए कि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जिसके लिए 5-7 दिन पहले सारी प्लानिंग चल रही थी उसके बाद सरकार क्यों फेल हुई। जिस जिस की गलती थी वो सब दोषी हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो शासन में प्रशासन में या समाज में है। बहरहाल 13 तारीख को हुई महापंचायत की बैठक का ज्ञापन DCP हरियाणा CM और केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना घटित न हो। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।